हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक है। माय नेम इज़ डॉक्टर विश्वाशा एंड आई एम फिजियोथेरापिस्ट। तो क्या आपको भी नेक और बैक में पेन है? तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर जो सबसे मेन रीज़न है वो है पुअर पोस्चर या तो फिर गलत पोस्चर। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी एक्सरसाइजेस जिससे आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि हमें हमारा जो पोस्चर है उसे क्यों इम्प्रूव करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो मेन बेनिफिट या तो जो मेन रीज़न है हमारा जो पोस्चर उसे ठीक करने का, कि जो हमारी स्पाइन है, अगर हम गलत पोस्चर में बैठेंगे तो उस पर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस आएगा, कॉन्स्टेंट लोड आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ी डिफॉर्मिटीज फॉर्म होती है। तो ये वजह से हमें हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट रखना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट बेनिफिट है कि जो स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलोसिस की जो प्रॉब्लम है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हम करेक्ट पोस्चर में बैठेंगे या तो फिर हमारा जो पोस्चर है उसे हम मेंटेन करेंगे तो उससे ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद है जो मसल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो जो टाइट हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, हम गलत पोस्चर में कॉन्स्टेंटली बैठे रहेंगे तो हमारे जो मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं। तो ये टाइटनेस को कम करने के लिए हमें ये जो एक्सरसाइजेस है वो करनी होती है। उसके बाद है अगर हम स्पाइनल मोबिलिटी की बात करें, तो अगर स्पाइन की हमें मोबिलिटी मेंटेन रखनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक्सरसाइजेस करने पड़ेगी। पर उसका रीज़न क्या है? तो अगर हम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे क्या होगा, जो डाइजेशन प्रोसेस है और जो सर्कुलेशन प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। तो जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होगी अपना डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं जिससे हमारा पोस्चर इम्प्रूव होगा। तो आज मैं जो सारी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ उससे हमारी नेक, हमारी अपर लोअर बैक और हमारी जो पेल्विस है वो कवर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो पूरी स्पाइन है या तो फिर आपकी जो बॉडी है वो कवर हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी अगर आपका पोस्चर गलत है या तो फिर आपके पोस्चर की वजह से आपको जो नेक और बैक की प्रॉब्लम रहती है तो वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक से। तो नेक के लिए चिन टक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं या तो फिर हम मोबाइल यूज़ करते हैं, एक लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो हम हमारी जो नेक है उसे आगे की ओर रखते हैं, तो जो हमारी चिन है उसे हमें पीछे रखना चाहिए। तो जो आइडियल पोजीशन अगर हम देखें तो उसमें हमारी जो चिन है वो इन होनी चाहिए। तो चिन टक एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप सिटिंग पोजीशन या तो फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। आपको एक फिंगर यहाँ पे चिन के पास रखनी है और उसके बाद आपको जो अपनी जो चिन है उसे ऐसे अंदर लेके जाना है, या तो फिर कहें आपको जो डबल चिन है वो फॉर्म करनी है। सो बस इसे प्रेस करिए एंड रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज आपको 2 to 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है और उसके बाद रिलैक्स करिए। होल्ड रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फिंगर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। ये एक्सरसाइज आप दिन में 5 से 6 बार कर सकते हैं और हर बार 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है नेक स्ट्रेचेस एक्सरसाइज। नेक स्ट्रेचिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम रात को गलत पोस्चर में सो गए तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हमारी जो नेक है उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिटिंग पोजीशन में आपको अपनी जो नेक है उसको एक साइड बेंड करना है। तो आप नेक जो साइड बेंड कर रहे हैं वो हाथ से आपको उसको नीचे की ओर प्रेस करना है। तो मैं नेक को लेफ्ट साइड बेंड कर रही हूँ तो ये मेरे जो राइट साइड के मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। तो बस इसे होल्ड करिए, इसे 20 to 30 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करना है और ये एक्सरसाइज आप 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। आपको दोनों साइड ये एक्सरसाइज करनी है, तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड कर सकते हैं। इवन आप अपनी जो नेक है उसे ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये थी नेक की एक्सरसाइजेस।
इसके बाद हम बात करेंगे हमारे शोल्डर्स की। बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका जो पोस्चर है वो थोड़ा ऐसे राउंडेड रहता है, मतलब अननोइंगली उनका जो शोल्डर है वो थोड़े बाहर आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे शोल्डर्स को पीछे पुश करना है। तो उसके लिए आप दोनों हाथ ऐसे फोल्ड कर दीजिए एंड शोल्डर्स को पीछे ऐसे स्ट्रेच करिए, तो आपके जो चेस्ट के ये जो मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। एंड रिलैक्स स्ट्रेच रिलैक्स स्ट्रेच रिलैक्स। ये भी आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं और एवरी टाइम आप 5 to 10 times उसे रिपीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अगेन हमारे शोल्डर्स के लिए, तो अगर हमें हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वॉल के सपोर्ट से अपने दोनों हाथ ऐसे रखिए, एल्बोज बेंड कर दीजिए एंड फिर आपको वॉल को टच करते रहना है और हैंड्स स्ट्रेट करने हैं। सो वापस बेंड, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फिंगर का ये जो हैंड का कॉन्टैक्ट है वो वॉल के साथ मेंटेन रहना चाहिए। आप रिलैक्स, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पोस्चर करेक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल है ये वाली एक्सरसाइज। तो इसे भी आप 10 to 15 times रिपीट कर सकते हैं और दिन में 2 बार करिए, इनफ है। इसे हमारी स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच होगी और जो हमारे राउंडेड शोल्डर का जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हमें वॉल के कॉर्नर या ऐसा कुछ भी सपोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे खड़े रहना है। और ये जो एक्सरसाइज है मेनली हमारे शोल्डर के अंदर एक कैप्सूल होती है, उसे स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो आपको बस हाथ ऐसे 90 degrees पे रखना है और अपनी बॉडी से आपको आगे झुकना है, आपको लीन फॉरवर्ड होना है, पर आपको बैक बिल्कुल भी बेंड नहीं करनी। आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए और आपको बस ऐसे आगे झुकना है। तो आपको फील होगा कि यहाँ पे आपको अच्छे से स्ट्रेच जैसा फील होगा। तो बस आपको ऐसे होल्ड करना है 20 to 30 seconds के लिए, होल्ड एंड देन रिलैक्स। ये एल्बो जो आपका जो एल्बो और शोल्डर है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो अच्छे से स्ट्रेच नहीं आएगा और शायद आपको बैक में फील होगा। तो प्लीज़ आप अपना जो हैंड है वो एकदम स्ट्रेट रखिए एंड देन स्ट्रेच, होल्ड इट फॉर 20 to 30 seconds एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप 3 to 5 times कर सकते हैं। तो आपको दोनों हाथ के लिए ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मेनली हमारे शोल्डर्स और अपर बैक के लिए है। तो अगर हमारी बैक ऐसे राउंडेड और ऐसे झुकी हुई है तो उसको अगर हमें स्ट्रेट करना है तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो इसके लिए आपको वॉल के सामने खड़े रहना है, दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल पे रखिए एंड देन आपको नीचे झुकना है। तो आप जब नीचे झुक रहे हैं आपको ये ट्राई करना है कि आपको अपने हाथ से जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है। तो हाथ ऐसे रखे नीचे झुके एंड ट्राई टू स्ट्रेच, आपको शोल्डर की यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच फील होगा और आपकी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90 degrees होना चाहिए, पर स्पाइन जितनी हो सके आपकी अपर बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। सो रिलैक्स, ये एक्सरसाइज भी आप होल्ड कर सकते हैं 10 to 15 seconds के लिए, आप इसे होल्ड करिए। सो नीचे एंड रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज 5 to 7 times तक रिपीट कर सकते हैं और इसे 10 to 15 seconds के लिए होल्ड कर सकते हैं और दिन में 1 बार इसे करेंगे तो भी चलेगा। तो हमने नेक, अपर बैक और शोल्डर जॉइंट्स तो देख लिए, अब हम मेनली हमारी पेल्विस और लोअर बैक पे फोकस करेंगे। तो जो नेक्स्ट ये जो मैं बताने वाली हूँ एक्सरसाइज, ये अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है तो अगर उसमें आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो शायद आपका पेन बढ़ सकता है। पर अगर आपको मैकेनिकल लो बैक पेन है, यानी कि अगर आपको काम की वजह से बैक में पेन है, तो ये एक्सरसाइज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। पर अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है और वो एक्यूट है, यानी कि अभी अभी वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपको ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों लेग्स ऐसे फोल्ड करने हैं और दोनों हाथ से उसे ऐसे अपनी ओर प्रेस करिए।
इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आगे बेंड करें, बस आप उसे अपने आप प्रेस करिए ताकि आपकी ये जो स्पाइन है, लोअर स्पाइन, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। तो उससे जो भी स्ट्रेन होगा हमारी स्पाइन के ऊपर वो कम हो जाएगा और वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी और मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो बस ये पोजीशन आप 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप 10 टू 15 टाइम्स कर सकते हैं, आपको इसमें डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। कभी कभी क्या है, स्पाइनल कर्वेचर ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को बैक पेन होता है, तो अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो बस इसे ऐसे नीज बेंड कर दीजिए और पोजीशन होल्ड करिए 20 सेकेंड्स के लिए, होल्ड एंड देन रिलैक्स। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मेनली हमारी पेल्विस की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने घुटनों के बल आना है और घुटने और दोनों हाथ के सपोर्ट से आपको बस ऐसे रहना है। आपके जो नीज़ है वो एग्जैक्टली हिप के नीचे होने चाहिए और आपको अपनी पेल्विस को ऐसे अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पे ये जो कर्वेचर है वो आपको बढ़ाना है एंड देन ऊपर लेके जाइए और जितना हो सके उतना स्ट्रेच करिए ताकि आपके जो अपर बैक के जो मसल्स हैं और जो मिडल बैक के मसल्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। तो इसे स्ट्रेच करिए एंड रिलैक्स। ये पोजीशन भी, इसमें भी आपको जितना भी ये कर्व फॉर्म कर सकते हैं वो फॉर्म करिए। वापस स्ट्रेच करिए नीचे ऊपर। तो ये एक्सरसाइज आप होल्ड कर सकते हैं। तो जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो टाइम आप 3 से 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये भी अगर आपको लो बैक पेन का प्रॉब्लम है, पर आपका अक्यूट प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ये किसी की डॉक्टर की या कोई भी फिजियोथेरापिस्ट है उनकी एडवाइस से ही करिए। पर अगर आपको सिर्फ ऐसे ही काम की वजह से बैक में पेन है तो ये एक्सरसाइज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है वो एक्चुअली एक योगा का आसन है। तो इसमें आपके शोल्डर्स, अपर बैक, लोअर बैक, सारे जो मसल्स है वो अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे अगर वो टाइट है। तो इसलिए क्या करना है, आपको ऐसे नीलिंग पोजीशन में बैठना है, यानी कि वज्रासन पोजीशन में बैठना है। ऐसे बैठिए और दोनों हाथ से आपको हाथ को ऐसे आगे लेके जाना है और अपना जो हेड है उसे नीचे कर दीजिए। तो बस ये पोजीशन 10-15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। वापस रिलैक्स। ये रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज उसे जरूर लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर पाऊँ। अगर मैं वो भी कंडीशन के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ तो वो मैं डेफिनेटली करूंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।